हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए आ गई हूँ मैं एक नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। ठीक है, थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका है कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, आपके पार्टनर के करेंट सिचुएशन क्या है, उनके करेंट थॉट्स क्या है, आप दोनों के बीच कब तक सिचुएशन ठीक हो सकता है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे प्यारे से गनु जी का नाम लेके हम लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है। आप कमेंट करते हो, कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऐसा फील होता है कि नहीं, आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ में लाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से गनु जी का नाम लेके। लेट्स डू इट, थैंक यू। ओके, हम लोग पहले टैरो कार्ड से देखेंगे कि क्या सिचुएशंस है एंड आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, 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 बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। पहली बात तो यह है, आपका जो पार्टनर है उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। ठीक है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सब कुछ सब ऑप्शंस देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। आई फील लाइक आपका जो पार्टनर है वो बिजनेस फैमिली से है या बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर का जो फैमिली है वो थोड़ा सा मैनिपुलेट उनको कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके घर में ऐसा कोई पर्सन है, सिस्टर हो सकते या कज़न कोई हो सकते, जो आपके साथ आपके पार्टनर के रिलेशन को ना और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इंसान ही आप दूसरे के जो मैसेजेस है ना वो पास ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आई फील लाइक आपके साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। एंड तीसरा जो मैसेजेस है, तीसरा मैसेज जो है वो आपका पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं, बहुत तरीके से सोचते हैं कि कनेक्ट करें। शायद एक दो बार वो दारू पी के कनेक्ट कर भी चुके थे आपके साथ या बात कर चुके हैं किसी के साथ, डेफिनेटली आपको लेके बातें हुई है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैमिली को छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते एंड लाइक दिस। ठीक है, ऐसे सिनेरियोस हैं। यस, ऐसा सिनेरियोज है। और दूसरी बात ये, नेक्स्ट जो है मैसेजेस वो है कि टू ऑफ सोल्स का कार्ड आया है। तो फैमिली प्रेशर देने के बावजूद थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं 1% ही सही होप रखते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन बन जाए और आपके घर वाले इनके घर वाले भी मान जाए। ठीक है, लेकिन ये रात को सोचते, सुबह होते ही उनका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। वो सोचते नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्टनर जो है उन आपके साथ बिताए हुए पल को याद करते और ये भी सोचते कि क्यों हुआ ऐसा, अगर दूर जाना ही था तो पास ही क्यों आए। ठीक है, तो ऐसे मैसेजेस भी हैं, ऐसे सिचुएशन भी है। यहाँ पे आपका सिचुएशन भी कुछ इस तरीके से लग रहा है कि आप बिस्तर में रहते हो, काम नहीं करते हो, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, बहुत डिप्रेशन में रहते हो, डिप्रेशन वाली सैड स्टोरीज देखते हो, तो नो, आपको वो चीज़ बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड
जो लास्ट में आया है ना, तो दिस इज़ अ मिरेकल, मतलब बिलीव ऑन मिरेकल्स, मिरेकल विल हैपन। अगर आप मिरेकल पे बिलीव करते हो तो ये होगा, होगा ही होगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एवरीथिंग विल चेंज आफ्टर दैट सिचुएशन। एक टाइम के बाद, एक टाइम पे आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म, और मैं कुछ एफर्ट नहीं डाल सकती, अब तो सरेंडर। ये एक्चुअली सरेंडर की ऊर्जा के लिए आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दो। आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि नो, सरेंडर टू द डिवाइन, दिस देन मिरेकल विल हैपन, ठीक है। आपका पार्टनर आपको लेके एक्चुअली में बहुत सोचते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी वो नहीं है, अपने मन ही मन में वो करते रहते हैं सब कुछ, ठीक है। वो अपने, अगर उनके घर में दादी या नानी कोई है ऐसे बड़े बुजुर्ग फेमिनाइन एनर्जी के, तो उनके बात वो बहुत मानते हैं, दादी के या नानी के बहुत बात मानते हैं उनके, और उनको ये कहा जाता है कि आपको, आपके पार्टनर को कहा जाता है कि यार तेरा जब शादी होगा ना तो बहुत अच्छे खानदान में होगा, बहुत पैसे वाला खानदान में होगा, ठीक है। इस तरीके से उनको ना थोड़ा सपना दिखाया जाता है कि बहुत अच्छे खानदान में होगा, बहुत पैसे वाला होगा वो लोग। यहाँ पे रात का टाइम बहुत सिग्निफिकेंट है, रात में ना वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि उनका कोई आदत है दारू पीना, है ऐसा है कि वो ड्रिंक करके आपको एक दो बार फ़ोन भी कर चुके हैं, ऐसा सिनेरियो भी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। आई फील लाइक आपके साथ आपके पार्टनर का जो नेगेटिव सिनेरियो है ना, जो सेपरेशन या अगर बात भी हो रहा है तो बहुत झगड़ा हो रहा है, ऐसा सिचुएशन है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें, ठीक है। मीन्स अलग पर्सपेक्टिव से देखिए सिचुएशन को। थैंक यू। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका जो फियर है, सी यहाँ पे आया है सेवन एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका डर ही है जो इतना ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। आई फील लाइक आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में जब थे, जब अच्छा सब कुछ चल रहा था, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को ऐसे बोले होंगे कि मुझे पता है आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे पता है आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स डेफिनेटली आपने कहा है, ठीक है। अब देखिए हकीकत में हो रहा है वो चीज़। स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। मैंने कहा ना कि आप बिस्तर में पड़े रहते हो, डिप्रेशन वाली स्टोरीज देखते हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। लक इज ऑन योर साइड। सी मैजिशियन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली लक इज ऑन योर साइड, तो आपको कहा जा रहा है कि आपका लक आपके साइड में है, तो उसको यूज कीजिए, अच्छे कामों के लिए यूज कीजिए, अच्छे थॉट्स के लिए यूज कीजिए, पॉजिटिव चीजों के लिए यूज कीजिए। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप्स का क्या सिनेरियो है वो भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच। क्या कनेक्शन है, थैंक यू, आपके साथ आपके पार्टनर की कनेक्शन क्या बन रही है, थैंक यू सो मच। फ्लर्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। नेक्स्ट टाइम आप जब उनके साथ बात करेंगे तो थोड़ा फ्लर्टी एनर्जी पे बात कीजिए, ठीक है। थोड़ा प्यार जताइए, थोड़ा दिखाइए उनको, थैंक यू, कि आप कितना प्यार करते हो उनके साथ। न्यू लव, ओके, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। यहाँ पे आई फील लाइक
आपका जो पार्टनर है ना वो किसी और के तरफ इंटरेस्टेड हो रहे, आई फील लाइक यहाँ पे आप भी वो चीज़ महसूस कर पा रहे हो, या आपके लाइफ में भी ऐसा पार्टनर, ऐसा इंसान आ रहा है जिसके तरफ, जिनके तरफ आपको इंटरेस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लेम करना ना क्लेम करना ऑब्वियसली आपकी मर्जी है। डेफिनेटली मैं ऑलवेज कहती हूँ कि यूज़ योर फ्री विल, यहाँ पे कोई फोर्सफुल एडवाइस नहीं है, बट ये आने वाले हैं, ये श्योरिटी है कि हाँ ये आने वाले हैं। फाइनेंस एंड करियर, यहाँ पे कहा जा रहा है फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। फाइनेंस ठीक करे, आपका पार्टनर है ना वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो अपना फाइनेंस को ठीक करे, अपने फैमिली को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फैमिली को देखभाल कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि आपका जो पार्टनर है वो इकलौता है जो घर में कमाने वाला है, ऐसा भी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। फ्रेंड्स यानी यहाँ पे सोल फ्रेंड्स को कहा जा रहा है, मतलब आपके जैसे परेशान हुए हैं ऐसे इंसान आपके आसपास होंगे तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे डेफिनेटली, तो उनसे आप फ्रेंड, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हो, ठीक है। जो फ्रेंड आपको समझे, आपके दर्द को समझे, सल्यूशन दे, वही उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप हेल्प मांगिए। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, यहाँ पे कहा जा रहा है सब कुछ होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे मिरेकल देखने को मिलेगी। एवरी टाइम लास्ट कार्ड जो आ रहा है ना वो ऑलवेज एक मिरेकल टाइप का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया, यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, यहाँ पे सेकेंड हनीमून। तो इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप लोगों की जो ड्रीम है ना वो पूरी होगी डेफिनेटली। आप अपने पार्टनर के पास जाना चाह रहे हो, आप अपने पार्टनर के तरफ कनेक्ट होना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली वो होंगे, ठीक है। आपका पार्टनर भी बहुत आपको याद करते हैं और आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो भी ये हनीमून वाला जो ड्रीम है ना वो भी देखते हैं। यस, वो भी कनेक्ट करते हैं, वो भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस है चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, एक सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। ओके, आपको कहा जा रहा है कि गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क दोनों चीज़ ज़रूरी होती है कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए या कोई चीज़ को रियलिटी में लाने के लिए। आप सिर्फ सोच रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं होगा। सिंपल बात है, अगर मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो पूरा एकदम वायरल हो जाए, सबको दे, सबके पास मेरा वीडियो पहुँच जाए, सबके पास मेरा मैसेजेस पहुँच जाए, और मैं वीडियो ही नहीं बना रही हूँ, होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा ना। तो हार्डवर्क या एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ आप अपना प्लान्स सेट करते जाइए, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, इस तरीके का मैसेज है ये। थैंक यू। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सेटलमेंट मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आपका डिज़ायर जो है फुलफिल होने से पहले आपको उससे छोटा मोटा कोई चीज़ दिया जाता है और देखा जाता है, चेक किया जाता है कि आप उससे सेटिस्फाई हो। अगर हो तो वो वाला डिज़ायर आपका कभी फुलफिल नहीं होगा। इनकेस अगर नहीं हो तो तभी आपका ओरिजिनल जो डिज़ायर है वो फुलफिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। कोई भी कम चीज़ों के लिए जो आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता है उसके लिए आप एग्री मत करो, सेटल डाउन मत करो खुद को। एलिफेंट क्या है? अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल will leave your wiser at the end, ठीक है। लॉन्ग, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है, चीज़ों को ठीक कैसे रखना है, पॉजिटिव चीज़ क्या है, नेगेटिव चीज़ क्या है, एनर्जी कैसे काम करती है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अ लॉन्ग जर्नी,
ठीक है, आइदर फिजिकल और मेंटल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो भी आपके लिए लॉन्ग जर्नी है। आई फील लाइक यहाँ पे आप वेट लूज करने की भी कोशिश कर रहे हो, तो ये भी एक जगह है। विल लीव यू वाइजर एट द एंड। आपको मतलब आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे ना कि यू विल बी अ वाइजर पर्सन। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। यहाँ पे शील्ड है, यहाँ पे आई फील लाइक आप किसी को अपना सीक्रेट मत बताइए, अदरवाइज आपको बैकफायर होने के फुल चांसेस है। ठीक है, शील्ड, आप अपने आप को डिफेंड कीजिए, आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन आ सकता है कि आपके ऊपर ब्लेम आ जाए सम रीज़न। मैन, डीलिंग विद रिलेशनशिप विद अ मैन। यहाँ पे आपका जो पार्टनर है उस हिसाब से आप इस मैसेज को एक्सेप्ट करना कि आप मैन यानी अपने उम्र से बड़े इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो और उनके साथ आप डील करो या उनको अपने लाइफ में पाने की कोशिश कर रहे हो। थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट हम लोग ये छोटू मिनी डेक से देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच। पहला मैसेज, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अनकंडीशनल लव लेके आपका पार्टनर आपके तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, ही इज ऑलरेडी इन अ मूविंग स्टेट। ठीक है, मैं अपने हिसाब से मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से इस मैसेजेस को सेट कर लेना। ठीक है, मैं एज ए फीमेल बोल रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से मैसेजेस सेट कर लेना। तो यहाँ पे जो मेन मैसेज है कि आपका जो पार्टनर है वो ऑलरेडी आपके तरफ मतलब मूवमेंट ले चुका है। ठीक है, ये स्टेबल पोजीशन में नहीं है, ये मूविंग पोजीशन में वो आ रहा है और पहले से बेहतर बन के आ रहा है। यस, द चैरियट, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनिए कि कहाँ है, मतलब किस तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन ऑल टाइम आपके साथ है। ठीक है, तो उसको यूज़ कीजिए। आपको ये भी कहा जा रहा है आपका जो पार्टनर है वो कहीं पे घूमने जा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ ग्रीनरी एरिया है बट माउंटेन एरिया है। ठीक है, तो वहाँ पे घूमने जा सकते हैं वो। एट ऑफ पेंटिकल्स, कहा जा रहा है कि आप बहुत कुछ चीज़ों को ठीक कर रहे हो, आप बहुत प्रोसेस लगा रहे हो, आप बहुत टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए। तो आपको कहा जा रहा है कोई एक टेक्निक को चूज़ कीजिए और उसमें फुल फेथ के साथ उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, फुल फेथ के साथ उसको यूज़ कीजिए। यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे एक्शन है, कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों को बेटर करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर आपके तरफ आ रहा है चेंज होके, तो आपको भी अपने आप को चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। आपके और आपके पार्टनर को लेके गॉसिप चल रहा है, बिलीव मी, आपके फ्रेंड्स के मतलब आपके फ्रेंड्स में या उनके फ्रेंड्स में आप दोनों को लेके टू मच गॉसिप चल रहा है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू गाइस, और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि चीजों को ठीक कैसे कर सकते हैं, या ठीक होगा नहीं होगा, नो आइडिया,
कोई बोल रहा है हाँ होगा, कोई बोल रहा है नहीं होगा, किसी को कुछ प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है जो आपको दे पाए। लेकिन गॉसिप चल रहा है आपके पीठ पीछे, इतना तो मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली। सी यहाँ पे द सन का कार्ड है कि क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली आपको, आपके आपके पार्टनर के घर में डेफिनेटली कोई पर्सन प्रेग्नेंट है और उनके आसपास कोई बच्चे भी है, रहते हैं, ठीक है, उनके आसपास बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पे बेबी बॉय की ऊर्जा है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे डेफिनेटली बेबी बॉय की ऊर्जा है। थैंक यू। स्ट्रेंथ, ओके, आपको कहा जा रहा है कि प्यार से सब कुछ कीजिए, गुस्से में, जेलसी में, गिल्ट फील होके, नो, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। प्यार ही है एक मतलब वन एंड ओनली फोर्स जहाँ पे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, हर किसी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपको बैक एंड में काम करने के लिए कहा जा रहा है, कोई पावरफुल काम करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब ये कार्ड का एक पर्टिकुलर मैसेज है कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना वाला, ठीक है। तो अपना जो गुस्सा है ना उसको चैनलाइज करके आप काम डाउन हो जाओ, ओके, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। पीछे जो हो गया उसको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, मूव फॉरवर्ड, आगे की सोचो। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ओपन एयर में रहिए, ठीक है, खुली हवा में, ओपन एयर में रहिए। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है आप लोगों के लिए, आपके और पार्टनर के सिचुएशन के ऊपर। एक कार्ड में और लेने वाली हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये मैं टाइम को लेके कार्ड्स में लेने वाली हूँ कि कौन से मंथ में आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है, सॉल्व होने का चांसेस दिख रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, मैं थ्री कार्ड्स लेने वाली हूँ, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड जून, ओके, जून के टाइम पे आपका प्रॉब्लम जो है एकदम कंप्लीट वे में सॉल्व हो जाएगी। एक और मई, ओके, मई जून, ओके, जुलाई, मई जून जुलाई, ओके, ये जो कमिंग थ्री मंथ्स है यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने का फुल चांसेस दिख रहा है एकदम कंप्लीट वे में, जो ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट कि इतना देर, नो, डोंट थिंक अबाउट इट। एक तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे तभी के लिए ये काम करेगी, ठीक है। एंड मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि जब रिकॉर्ड अपलोड होगा आपको डेफिनेटली डेट दिखेगा कि कितने मंथ पुराना है, क्या है, तो उस हिसाब से डोंट पैनिक, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, समर का टाइम है, स्प्रिंग का टाइम है, ब्यूटीफुल टाइम है। रेनबो, यहाँ पे रेनबो भी आया है, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिवाइन साइन कि आपका जो भी ड्रीम है, डिजायर है, आपका पर्सन आपके पास लौट के आएंगे। यस, आपका पर्सन आपके पास लौट के आएंगे, ठीक है। ओके, तो यही कुछ मैसेजेस है आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि और किस टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग देखनी है, डेफिनेटली मैं उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रीडिंग के साथ, न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।